आज अरमान कौन सा नया बम फोड़ेगा? सारे लोग बाहर होंगे, जाऊंगी तो मैं ही अंदर। आज रात को वो लोग हॉस्पिटल रहेगी, जो भी नया मेहमान आएगा सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑपरेशन होगा, पेट कटेगा, इसको पेट में रखा है, कल वो गोदी में होगा। ओटी में जाने की तैयारी शुरू हो, सीधा ओटी में लेके जाएंगे। 13 दिन तक जोत मत जलाना, जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा। माँ को नहीं देखती वो, जब भी वो खाती है खाना। खुशखबरी का वेट कर, कोई कहता है कि मैं आज तक प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो भी तो बच्चे कर रहा है। आज मैं इतना बड़ा खुलासा करने वाला, ये बात मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए। गोलू और पाले प्रेग्नेंट नहीं थी, पूरा 6 किलो वजन कम हो गया था और पैदा भी कुदरत ने ही किया। हम आपको ऐसे चेहरे से मिलवाने वाले हैं, आपको देने वाले हैं सरप्राइज। तो फाइनली भैया लड़की बहुत ही प्यारी प्यारी, तो अंदर था बाहर आ गया, सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है। मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी मैंने पायल को घर छोड़ा, तो अभी मैं निकल रहा हूँ दोबारा हॉस्पिटल के लिए। और आज रात को वो लोग हॉस्पिटल रहेगी, डॉक्टर ने बोला सुबह 6 या 8 बजे हम ऑपरेशन करेंगे। और जो भी खुशखबरी होगी, जो भी नया मेहमान आएगा सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। भाई लड़की देख रही है पीछे से, क्या देख रही है भाई? खुशी हो रही है, सुबह जल्दी जल्दी आए बच्चा, छोटा सा हाथ में खेले उसके साथ। तो मैं ना अभी कमेंट पढ़ रही थी गुड्डू फैमिली फिटनेस पे, तो मेरी कल तबीयत खराब हो रही थी ना, तो कमेंट आ रहा है। एक पहला कमेंट है विष्णु प्रिया कर का, लिख रही है पायल को देख के लगता है की 8 मंथ में डिलीवरी हो जाएगी, ट्विन प्रेगनेंसी में जल्दी डिलीवरी हो जाती है। नथिंग टू वरी पायल, ओनली मेडिटेशन एंड प्रे फॉर नाउ। हो सके तो कुछ टाइम के लिए चीकू की जिम्मेदारी नितिन को दे दो। अभी मैं जा रहा हूँ गोलू के पास और चीकू कल स्कूल नहीं जा रहा। हमने क्या सोचा है कि ना मतलब कुछ भी हो लड़का लड़की, हमने ना -1% भी नहीं सोचा कि हमें ये चाहिए नहीं, हमें है कुदरत पे भरोसा, जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि तीनों लड़कियां हों, मतलब दिल खुश हो जाएगा। अकेला भाई होगा जो डांटता रहे 24 घंटे, फुल इसकी ऐश रही है, लेकिन तीनों बहनों को प्यार भी बहुत करेगा। अकेला भाई होगा ना, तीनों की केयर करेगा, तीनों को है गिफ्ट ला के दिया करेगा। तो तीनों बहनों भी तो हाथों पे रखेगी इसको, मेरा भाई मेरा भाई। अच्छा मैंने ये सोचा, ये ना मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना भाई ना बोले, दादा बोले, दादा दादा भाई, दादा दादा दादा। एक दादा का रोब अलग होता है, दादा दादा मतलब लगा लो बड़ा भाई भी होता है, बाप भी होता है। बताओ दादा, मुंबई में दादा बोलते हैं अपने से बड़े को, और अच्छा एक रोब वाला होता है दादा ना, भाई तो हर किसी को बोलते हैं। जल्दी बता जल्दी, भाई या दादा? दादा। देख जैसे तेरी बहनें होंगी, उनको कहीं पार्टी पुटी में जाना होगा तो वो अपने फ्रेंड्स को पहले ओके नहीं करेंगे, हमें भी नहीं पूछेंगी, वो कहेंगे मेरे को पहले दादा से पूछना पड़ेगा, दादा से पूछूंगी, दादा ओके करेंगे तो मैं जाऊंगी। तो तेरा इतना रॉब होएगा उनपे, तो फिर पूछना है कि आप बोलो दादा मैं फ्रेंड्स की पार्टी में जाऊँ। घर पर है चुपचाप, ऐसे जाना पार्टी पार्टी में, ऐसे कौन बोलता है दादा? ज्यादा जुबान मत लड़ा, ये तो अभी से ही तरह हो रहा है। देखो बहनों का भाई है सबसे बड़ा, वो एज अ फादर होता है, कुछ भी बोल सकता है, वो उसके ऊपर है, हमने नहीं सिखाया इसको है भाई भाई। इसको नहीं, अभी तक सिर्फ हम इसे डांटते हैं ना, अब ये किसी को डांटने वाला आ रहा है ना, तो वो थोड़ा वो निकालेगा ना हमारा वाला। जब ये 10 साल का हो जाएगा तब वो 3 साल की होगी, सुनने लायक ये मुझे क्या क्या रहा है। ठीक हो, 2 साल तक तो तुझसे बात भी नहीं करेगी। एक बात और बता दूं, अगर जैसे लड़की होती है, लड़की होने के बाद लड़की की उम्र हो जाती है 15 साल और चीकू की उम्र हो जाती है 23 साल, तो दोनों बराबर के लगेंगे एज में। हाँ। या उसमें हाइट में, हाइट में लड़कियां बहुत जल्दी बढ़ती हैं और समझदार भी बहुत होती है लड़कों से। लड़कों से समझदार, चीकू से समझदार हो सकता कोई? पापा मैं गली का कुत्ता हूँ जो समझदार नहीं हूँ। ये बातें कहाँ से लाता है तू? पापा मैंने अभी उसमें भी बोला था ना, गर्ल्स सैलून में जब मैंने पेडीक्योर करवाया था उसमें भी बोला था मैंने। क्या बोला था? कि मैं कोई गली का कुत्ता हूँ जो मैं समझदार नहीं हूँ। हाँ। तो गली के कुत्ते के समझदार नहीं होते, वो समझदार होते हैं। नहीं गली कुत्ते नहीं होते, वो गाड़ी के पीछे भागते हैं। हाँ, पापा सुनो, जब बोले तो चिड़िया, चिड़िया जब खिलाती है ना बच्चों को खाना, तो चिड़िया चिड़िया की जो बच्ची होती है माँ को नहीं देखती, वो उसकी चोंच को देखती है जब भी वो खाती है खाना। और कुत्ता जब उस पर भागते है ना, जैसे गाड़ी चल रही होती है और तो कुत्ता पता है क्यों भागता है? क्योंकि उसके टायर ना, उसके टायर को उसको लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं मारूंगा। अच्छा। फिर वो टायर के पीछे भागता है। क्या बात बता रहे? बात तो सारे दिमाग वाली करता है लड़का मेरा। आज तक की बात मुझे नहीं पता थी, मुझे चिड़िया वाली नहीं पता थी, अच्छी बात बताई। ठीक चल मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। ठीक है चिको, एक काम करियो सो जा तू, सुबह ऑपरेशन है मम्मा का, तो मैं निकल रहा हूँ, तू आ जाओ। ठीक है स्नैपचैट पे लाइव हो? हाँ जी हाँ जी, मैंने देखो वीडियो कॉल भी उठाना सीख लिया। की गल करती कुड़िए, और सुनाओ और बताओ शादी शुदी हो? नितिन भैया को बोल रहे हो? नितिन भैया को बोल रहे हो एडमिट हो जाओ आप भी। हाँ। एक तो पीसीएम चढ़ेगी ठीक हो जाओगे। फिर क्या कह रहा है? कह रहे नहीं भाभी आज तक एडमिट नहीं हुआ। मैंने कहा आज तक जो चीज थी हुई थोड़ी जिंदगी में नहीं करोगे? हाँ, कोई कहता है कि मैं आज तक प्रेग्नेंट नहीं हुआ, वो भी तो बच्चे कर रहा है। और क्या है ना, तो मैं बोल रही हूँ भैया चले जाओ चले जाओ, अभी ऊपर बुलाया मैंने। बता मुझे, मैं लेके आता हूँ उसको, एडमिट कराता हूँ। ठीक है एक बार ऊपर आने दो, मुझे चेक करने दो बुखार कितना है। तो स्नैपचैट की थोड़ी आईडी की है? स्नैपचैट की आईडी पायल मलिक। गाइस ये इंस्टाग्राम पे है इसका कुछ लिंक,
वहाँ से जाके फॉलो कर लेना लड़की को हमारी। जाके गाइस जल्दी से मुझे जाके स्नैपचैट पे फॉलो करो, क्योंकि आप जो भी अपडेट होगी हर एक घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे की वो सारी स्नैपचैट पे मिलेगी आपको। क्या पता कल हम अपने बेबी को सबसे पहले स्नैपचैट पे दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। तो भैया अभी फाइनली रीत पहुंची है, रजनीश भाई पहुंचे हैं और बस खुशखबरी का वेट कर रहे हैं। मैं वाला अभी नहीं सुबह दे पाएंगे, अभी दे पाएंगे रजनीश भाई है ना, सुबह आ जाएगी। हाँ जी, तो रीत पूछ रही है घबराहट हो रही है, एक्साइटमेंट वाली घबराहट है ना, वो होता है कि एक अंदर से गुदगुदी सी हो रही होगी क्योंकि सारे लोग बाहर होंगे, जाऊंगी तो मैं ही ना अंदर तो डर तो ज्यादा ही मुझे थोड़ा सा तो माँ को ही करना पड़ेगा ना, इतना तो सहन, पर कोई नहीं सब कुछ ठीक होगा, भगवान जी सब अच्छा अच्छा करेंगे, जच्चा बच्चा दोनों अच्छे अच्छे रहने चाहिए ना। सही बात है। तो बस थोड़ी देर बाद भैया हमारी जो माता श्री हमारी सासू माँ भी पहुंचने वाली हैं और रात को मैं यही हूँ। और बस ये है कि रामायण के अंदर एक गाना था, जब सुबह युद्ध होता है तो वो बोलता है यही रात अंतिम यही रात भारी, है ना। बिल्कुल याद है वाल, तेरे को तो याद नहीं, तूने तो कभी रामायण देखी नहीं है ना। मैं थोड़ा सा इतिहास के चक्कर में लगा रहता था कि इतिहास में चल क्या रहा रजनीश भाई नहीं इतिहास देखना जरूरी है। आज मैं इतना बड़ा खुलासा करने वाला हूँ, शायद ये बात मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए, पहले बताई भी थी शायद आप लोगों को याद नहीं है, मतलब गोलू पाल प्रेग्नेंट नहीं थी और रीत को सपना आता है रात को कि घर में नन्हे मेहमान आ रहे हैं और उसके अगले महीने ही गोलू प्रेग्नेंट होगी और उसके अगले महीने पायल प्रेग्नेंट होगी। रीत क्या थी वो बताना स्टोरी, वो स्टोरी थी आप अजमेर गए हुए थे सारे और रीत को रात को वही होटल में सपना आया था कि बच्चे आएंगे 11 महीने बाद और अब नेट 11 महीना चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, अजमेर शरीफ गए थे तो मैं उस टाइम उस दिन वहाँ पे इमोशनल भी हो गई थी और उस दिन विश भी मांगी थी कि आ जाए नन्हे मुन्ने और रात को सपना था कि एग्जैक्ट 11 महीने बाद बच्चे आ जाएंगे, पता नहीं था किसके आने हैं, बाद में पता चला कि इधर। आपको भी अगर जीवन में कोई भी समस्या हो कुछ भी हो तो आप रीत से पूछ सकते हैं और रीत की आईडी सबको बोलता है, यूट्यूब चैनल सबको, कोई भी प्रॉब्लम घर को लेके मियां बीवी को लेके कोई भी झगड़े चल रहे हो परिवार तो जिंदगी का सबसे बड़ा एक इतिहास है, मतलब एक दिन में एक औरत का पूरा 6 किलो वजन कम हो गया था, सोच सकती कैसे, सिर्फ योगा से। योगा से डिलीवरी हुई होगी, नहीं योगा था, अलोम विलोम कर रही थी, प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा हो गया, डिलीवरी होगी तो भैया अब ये कितना हंस ले, सुबह इसको जाना है ओटी में, बस ये कुदरत देखो अभी हंसी मजाक चल रहा है पर कुदरत जो करेगी अच्छा करेगी। मैं तो घर से नाइट सूट भी दो लेकर आई, पिंक ब्लू कपड़े भी पिंक ब्लू, टॉवल पिंक ब्लू, सब कुछ पिंक ब्लू लेकर आई, लड़के के इसमें जो भी हो वही पहन लेने, नाइट सूट भी मैं अपने उसके हिसाब से लेके आई हूँ भी, ठीक है और बच्चों के भी आगे यही डिसाइड अभी तो नहीं किया होगा ना क्या चीज लेनी। नहीं बट कपड़े तो घर पर बहुत सारे हैं तो कुछ भी पहना देंगे किसी को। बस कल है 6 तारीख और कल रोजा भी है और बहुत सारे बड़े बड़े दिन है, कल के दिन ही गोलू की प्रेगनेंसी, उपाय गोलू क्या क्या, हनुमान जयंती है, साईं बाबा का दिन है, थर्सडे है और रोजे भी चल रहे हैं, मतलब कल का जो और पूर्णिमा है तो कल का जो दिन है बहुत ही पवित्र दिन है। तो गाइस मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले नंबर तो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई होते हैं, धर्म अलग है पर रहते हम इंडिया में है इंसानी और पैदा भी कुदरत ने ही किया है, तो कल रोजे हैं, अगर नवरात्रि होते हैं फिर कुछ भी लगा लो। गोलू ने दो नाम सोच रखे हैं, तूबा अयान, अगर लड़की हो हम उसका नाम रखेंगे तूबा और लड़का हो उसका नाम रखेंगे अयान, और तूबा का मीनिंग हम सोच रहे हैं कि गोलू से पूछ लेते हैं कि उसको तूबा का मीनिंग पता है गोलू। हाँ जी मैंने बिल्कुल नेट पे पढ़ा है, तो तूबा होते जन्नत में एक पेड़ है और उस पेड़ का नाम है तूबा, तो गाइस अयान का मतलब है गॉड गिफ्ट, भगवान का फरिश्ता, तो अगर लड़का होता है तो उसका नाम हम रखेंगे अयान, और दोनों का नाम बहुत ही मतलब यूनिक नाम है और इनका जो मतलब है ना, क्योंकि नाम का जो मतलब होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमारा चीकू का नाम है चिरायु की लंबी आयु, तो बच्चे जब बड़े होंगे पूछेंगे ना मतलब, तो मतलब जब हम बताएंगे ना तो वो बहुत ही मीनिंग फुल मतलब है। तो फाइनली भैया लड़की खाना खा रही है और खाने में बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें आई हैं, और आपको ऐसा लगा ये होटल का खाना, पर ये होटल का खाना नहीं है, ये भाभी के हाथ का खाना, मैं यही बात बोल रही हूँ, भाभी ने खिचड़ी के साथ साथ मुझे अनियंस पिकल पापड़ दही सब कुछ भेजा, ऐसा लग रहा है बाहर से पैक होकर आए हैं। और भाभी आपको पता ही है हमारे जो गौरव भाई है उनकी वाइफ, तो गौरव भाई को खाना मिले या ना मिले पर हमें टाइम टू टाइम मिल रहा है। बात ऐसी है कि भाभी डॉक्टर ने बोला भाभी के खाने का बहुत जबरदस्त ध्यान रखना है, और मेरी बीवी अभी कुछ ज्यादा ही टेंशन हो रही है कि
भाभी को खाना टाइम पे मिलना चाहिए और प्रॉपर मिलना चाहिए, और क्योंकि रात को 12 बजे के बाद भाभी ने कुछ खाना नहीं, तो हेल्दी फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोलू को 12 बजे के बाद कुछ खाना पीना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि अब बच्चे के मुंह में चला जाएगा खाना, तो इसलिए डॉक्टर ने मना किया यानी कि मैंने मना किया, डॉक्टर ने तो किया ही किया दादा, मैंने मना किया। खाने बहुत भैया बहुत ही जबरदस्त खिचड़ी है, ये लड़की भी भूखी है सुबह से, बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं खाने लगी देखो दाल खिचड़ी स्पेशली फॉर डिमांड की। डॉक्टर ने बोला था हॉस्पिटल का खाना देना है, बोला नहीं हॉस्पिटल का नहीं, खाना घर से बन के आएगा। जो मेरे कैमरे पे मुझे इतना गर्व हो रहा है ना कि अगर मतलब 360 व्यू पूरा कैमरा पूरा कमरा दिखाई दे रहा है, गौरव भाई मेरे कैमरे के बारे में दो लाइनें बोल सकते हो? मैं बाय गॉड मैंने बहुत कम डायरेक्टर्स देखे हैं जिनको इतनी मतलब हाईली नॉलेज होती है कैमरा मूव करने की, और ऑनेस्टली और उनमें से ये दूसरा बंदा है। मैं पहले का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, दैट इज वेरी बिग नेम आल्सो। तो मैंने कल गाना एडिट करके दिखाया गौरव भाई, साथ में बैठे थे, मैंने एक घंटे में गाना एडिट करवा दिया। जो अगला गाना आने वाला बहुत ही कमाल का गाना है, वो ये प्रमोशन में मैं कर ही देता हूँ, पर वो मेरी कंपनी में एक बहुत ही बड़ी कंपनी इंडिया की, उस पे आने वाला। यस, और वो गाना आपको गूगल पे भी चलता हुआ मिलेगा। हाँ। उसकी क्लिप मैं आपको शेयर करूंगा। गाया मैंने था। यस, वो गाना अरमान ने गाया था। बिल्कुल। वाकई मैंने जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। आज पता लगा मुझे गौरव भाई का फिट रहने का राज। बहुत कमाल। हाँ मैं तो खाई बहुत कमाल की है, एकदम टेस्टी खिचड़ी है, बिल्कुल भी स्पाइसी। मैं इसलिए खड़ा खाना खा रहा हूँ क्योंकि जब हम छोटे गरीब आदमी हुआ करते थे, शादियों में जाते थे, तो वहाँ खड़ा खाना खाते क्योंकि कुर्सियों पे अमीर लोग बैठ जाते थे। तो गाइज मैंने ना पायल से 10 बार पूछ लिया सी सेक्शन के बारे में, फिर मैंने यहाँ पे एक नर्स आई उससे पूछा, तो वो भी मुझे 2 बार बता चुकी है, मैंने 3री बार उनसे पूछा, मैंने क्या जब मेरा सी सेक्शन हो रहा होगा तो आप एक काम करना, जो गुड न्यूज है ना लड़का हुआ लड़की हुआ, तो पहले मुझे बताना फिर बाद में फैमिली को बताना। तो वो कह रही है कि ना आपका आधा हिस्सा जो होगा नीचे का वो ही सुन होगा, आपकी जो माइंड है ना वो एकदम कॉन्शियस इतना नहीं होगा, आप बात कर सकते हो, और ऊपर ना ओटी में शीशा लगा होगा तो चाहे तो आप अपने पेट को खुलता भी देख सकते हो। मैंने कहा नहीं वो तो मैं आंख बंद कर लूंगी, उस टाइम पे तो नहीं देखूंगी, तो बस मुझे लग नहीं रहा मुझे आज रात को नींद आएगी, क्योंकि ना एक एक घंटा ऐसे वेट हो रहा है, जैसे अब 9:30 बज रहे हैं तो मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है, बस एक एक घंटे का ऐसा हो रहा है, 10 बजेंगे 11 बजेंगे 12 बजेंगे फिर मुझे कुछ नहीं खाना, तो बस इस मूवमेंट का मैं वेट कर रही हूँ। हाँ जी वाहेगुरु प्रसादा, और चाहिए ना बॉस, हम आपको ऐसे चेहरे से मिलवाने वाले हैं जिसने बहुत सारे चेहरों को ठीक किया पर ये चेहरा इससे ठीक नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि भाई टाइम से बिल्कुल नहीं आते, बस हाँ। ये एक शॉर्ट फॉर्म जवाब है कि टाइम से बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा है, ये तो तारीफ है वैसे, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं और टाइम से बिल्कुल नहीं आते। कोई बात नहीं, अब उम्र भी कम हो गया, अब तो स्ट्रेस ही लेते रहे, काम धंधा होता रहे, स्ट्रेस है स्ट्रेस देखो लोग लेते हैं, अभी आज अरमान कौन सा नया बम फोड़ेगा, तो भाई स्ट्रेस लोगों को लेने दो, हमें नहीं लेना, नहीं नहीं प्यार है लोगों का, और नहीं नहीं देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये बात ऑनेस्टली है सबके बीच में बता रहा हूँ, प्यार बहुत है लोगों का लेकिन लोगों को ना उतनी परेशानी भी है। आज नया क्या करेगा ये? नया कुछ नहीं करता मैं, वर्बली जो डे होते हैं वही दिखाता हूँ। गौरव भाई आप खुद बता दो कौन सी चीजें मैं ऐड ऑन करता हूँ। नहीं ये तो बात सही है, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक और मतलब जितनी नॉलेज कैमरे की रही है और चीजों की रही है, बिल्कुल क्लीन, मतलब बनावटी कुछ भी नहीं है, जो चल रहा है वो सीधा सीधा ही चल रहा है। तो अभी लड़की ने खाना खा लिया, आइसक्रीम खाने बाबू ने खानी, चॉकोबार खानी, चॉकोबार खानी खिला दो, और थोड़ी देर एक लॉन्ग ड्राइव होकर आती है। अच्छा लॉन्ग ड्राइव तो नीचे नीचे तो घूम के आते हैं, बहुत सारे लोग हैं बाहर, ठीक है तो क्या हो गया? नहीं नहीं मैं यही ला देता हूँ ना, मेरा मन भी कर रहा है बाहर घूमने का, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने दे फिर ले चलो, ठीक है आइसक्रीम वाला उठ जाएगा। अरे यहाँ पे होटल में खिला के लाऊंगा ना, नहीं मुझे होटल की थोड़ी खानी रेडी की खानी है। अरे बहुत ही प्यारी आइसक्रीम खा गए, दो दो तीन तीन सारे जितने लोग खड़े हैं, गौरव भाई भी साथ में, पूछ ले, मेरा मन चोकोबार खाने का, चोकोबार ही खिलाऊंगा प्यारी सी, 10 रुपए वाली, 10 रुपए वाली नहीं खिला सकते, 20 वाली बस, 100 रुपए वाली खिलाऊंगा, खाने तो बता 20 वाली खानी है चलो। तो भैया बस अभी फिटल हार्ट बीट लगने वाली है गोलू को, उसके बाद आपको दोबारा से हमारे जो बच्चे की हार्ट बीट सुनाने वाले हैं, और सुबह आपको देने वाले हैं सरप्राइज। और भैया ये देखो इसके मुंह से आइसक्रीम नहीं हटती, कमाल कर दिया गोलू तूने ना। मैंने सोचा जो खाना है आखिरी बार खा लेती हूँ, उसके बाद फिर 6-7 दिन नहीं खा सकती ना, तो इसलिए खा लेती हूँ। आप लोगों से ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ गोलू दीदी के बारे में और पायल दीदी भी। तो गोलू दीदी इतने ज्यादा ब्रेव है बिकॉज मैं 24 घंटे उनको देखती हूँ कि वो कैसे काम कर रहे हैं, अपना व्लॉग बना रहे हैं, चीकू को संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, और उनमें ना उफ भी नहीं आती है, मतलब बिल्कुल भी नहीं थकते, और ऊपर से वो प्रेगनेंट भी है तो वो शो भी नहीं करते कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है या कुछ भी, कोई प्रॉब्लम भी होती है ना तो वो अंदर ही अंदर रख लेते हैं, और मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, हैट्स ऑफ की आजकल वैसे जनता नहीं होती है, मेरे को कुछ हो जाए ना तो मैं भी ऐसे करने लग जाती हूँ, दर्द हो रही है ये वो, तो बहुत ज्यादा ब्रेव है। गोलू अभी कुछ बोल रही थी तो मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाम सुनना चाहती, क्या बोल रही? मैं ये बोल रही हूँ मुझे ऑपरेशन से डर नहीं लग रहा कि ऑपरेशन होगा, पेट कटेगा, इन चीजों से मुझे डर नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी
भी दो बार मेरे बड़े बड़े ऑपरेशन टाइप के हुए हैं, तो मेरे को इससे डर नहीं है। मतलब मुझे ना एक नर्वसनेस हो रही है कि यार मैंने 9 महीने इसको पेट में रखा है, कल वो गोदी में होगा, कैसी वो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग का वेट कर रही हूँ कि फीलिंग कैसी होती है। तो अंदर था बाहर आ गया, समझेगा मेरी बात, बात भी नहीं करेगा 2 साल तक, तो अकड़ में रहेगा, अकड़ में फुल एटीट्यूड। तो भैया बस अभी फिटल हार्ट बीट लग गई है गोलू को और ओटी में जाने की तैयारी शुरू हो गई है ना। हाँ बस एक बार ये लास्ट है, इसके बाद सुबह मेरे को ये दोबारा नहीं करेंगे, सीधा ओटी में लेके जाएंगे। हाँ जी, ओटी में जाने की तैयारी है और ये अभी तक फोन में लगी हुई है। फोन में क्यों लगी हुई है? मैं फोन में ना टाइम पास कर रही थी, मैं पायल को मैसेज कर रही थी कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। पायल की मैं गाइस का दिल नहीं लगता, इसका पति यहाँ पर इसकी देखभाल कर रहा है, पर पायल की मेरा दिल नहीं लगता ना। मैं आदत है ना मेरे को ना, एक्चुअली क्या है गाइस, 90 मतलब मेरा जो दिन है ना 99.9% पायल के साथ ही रहती हूँ, तो रोज रहती हूँ ना, तो आज दिन मेरा पास ही नहीं हो रही। तो अभी 20 मिनट तक ये फिटल हार्ट बीट चलेगी, ये चेक होगी, चेक होने के बाद डेट फाइनल होगी। तो डेट तो कल ही की है, पर ये टाइमिंग फाइनल होगा कि हाँ भाई रिपोर्ट बिल्कुल ओके है, तो हम कल ऑपरेशन कर देते हैं ना। हाँ बस टाइम बता देंगे वो लोग। चारों तरफ अंधेरा हो गया है, मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल का जो वो जनरेटर होता है वो चलाना पड़ेगा। चलो मेरा मुँह तो दिख ही रहा है आपको, कोई बात नहीं, ये देख लो लाइट आ गई। कुछ खाना है, दिल करा कुछ खाने का आपको? क्या टाइम हो गया? 10:15। दो घंटे से पहले कुछ खा ले, पी ले, वॉशरूम चली जाओ, कुछ भी कर ले। पानी पीना है, पानी की बोतल दे दो। पानी पीऊंगी, अभी नहीं पी सकती, फिर वो स्कैन खराब हो जाएगा, थोड़ी देर में पानी पीऊंगी। ऑपरेशन से पहले लड़की की ख्वाहिश है कि मुझे थोड़ा सा बाहर घुमा के ले आओ। हाँ थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए, मैं आप ना बहुत ज्यादा बंदा बंदा सा फील हो रहा है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, कल के बाद 2-3 दिन फिर पूरी जिंदगी के लिए बन जाएगी, जब तक बच्चा 6-7 साल का नहीं होगा ना उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती है ना। ये तो है ही, सही बात है। तो डॉक्टर साहब ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि भैया चुपचाप बेड पे बैठो, बाहर का नाम लिया तो 10 दिन के बाद डिलीवरी करूंगी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको रख लो। तो गाइस अभी रात के बज गए 2 और अभी मैं गाड़ी लेके निकल चुका हूँ, हमारी जो सासू माँ है वो पहुँच गए जीरकपुर, बस उनको लेके आता हूँ। और एक ना बड़ा होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी फैमिली में कोई भी बड़ा नहीं है, एक मैं ही हूँ जो चीजें संभाल रहा हूँ। तो बस अभी सासू माँ आई है, वही संभालेगी क्या खिलाना है क्या पिलाना है, कि देखो हमारे बड़ों की जगह उन्होंने ले रखी है। तो भैया मम्मी पहुंच गई है और मम्मी सुबह बनने वाली है नानी। कितनी एक्साइटेड? बस जी फर्स्ट क्लास, मजे ही मजे। खाओ खाना खाओ। पायल कल से ना गोलू का जब बेबी हो जाएगा तो जोत मत, 13 दिन तक जोत मत जलाना। 13 दिन तक? हाँ पातक लग जाता है ना। ठीक है, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, हम नहीं जलाएंगे। शुक्र है, मैं बोल ही रहा था कि एक बड़ा आ जाए घर पे, तो जिनको पता मम्मी ने बहुत सारी चीजें बताई जो डॉक्टर ने बता रहा था, तो एक बड़ा होना बहुत जरूरी है घर में। जो बड़े हैं वो हमारे घर के जी से ले रहे हैं, उनको कोई उठाए ना तो अपना सारा हाथ वाथ सब साफ करके, और जैसे कोई बाहर से आता है, जैसे कोई भी हो, मैं भी आती हूँ बाहर से, तो 5-10 मिनट मत उठाने देना, कहते अपनी थकावट बच्चे को चढ़ती है। वैसे तो आना ही नहीं चाहिए, जब बच्चा भी थोड़े दिन का हो ना कोई आना नहीं चाहिए घर पे, बाहर का। हाँ देखने वाले तो आते हैं, कोई नहीं, मैं यहाँ सैनिटाइजर रख दूंगी। आया सैनिटाइज किया। हाँ और 10 मिनट बाद उठाओ, क्योंकि फिर बच्चे को थकावट होती। मैं तो आ गई यहाँ पर, तो जैसे और कौन आएगा, जैसे आपके संदीप की सिस्टर वगैरह दोनों आएंगी? नहीं हमें नहीं पता मम्मी, वैसे भी अब किसी की जरूरत नहीं है हमें, जो 9 महीने हमने निकाले हैं ना, ये अभी कितनी बार हम हॉस्पिटल गए कुछ हुआ कोई नहीं आया, तो अब आगे भी जरूरत नहीं है। ये हमारी शांति है, रोली है, हमारा दीपक है, लक्ष्य है, वो तो ये कर लेंगे हमारा। मैं पहले गोलू का हो जाए कर लूँ, फिर आपका भी हो जाएगा, मैं तो 2-1.5-2 महीने कर दूंगी। 2 महीने भी बोले तो यही रहूंगी। नहीं मैं कहता हूं बच्चों की सेवा भी हो जाएगी। बड़ा होना चाहिए ना एक, हमें तो हम तो बचपने के हिसाब से कर सकते हैं, आप बड़े के हिसाब से करोगे क्या करना है क्या नहीं करना। ऑपरेशन से बच्चा होगा तो देसी घी नहीं खाना। हाँ वो मुझे पता है, देसी घी और लड्डू कुछ नहीं खाना। जिम को रोज देख रही हूँ जरा मैं, उसमें YouTube में आपके पूरे ब्लॉग में मुझे दिखा के लाना कैसे। जब तक यहाँ हूँ ना तो मैं भी जिम कर लूंगी। अच्छा। इन आप दोनों के कितना इजी हो जाएगा ना। हाँ। इसीलिए इन्होंने इसीलिए तो करा है कि मतलब 1-1.5 महीने बाद थोड़ा थोड़ा अपना, जैसे बच्चे सोए हो। 1 महीने में तो नहीं, 3-4 महीने बाद ही जाओगे, टांके लगे होते हैं ना, फिर जोर पड़ता है। अरे मम्मी टांकों में ना कुछ ना करो, ट्रेडमिल पे चल तो सकती है ना, चलेंगी तो थोड़ा सा ये तो होगा। डॉक्टर से पूछ के ऐसे। तो गाइस फाइनली हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। चलो चाय पीने तो पी लो। हां चाय पी लो, मैं भी चलती हूं। नहीं आप रेस्ट कर लो, आप चीकू के पास रहो, रेस्ट करो, वहाँ कोई काम तो है नहीं। देखो मैं तो हनुमान जी भी है, मैं सुबह बुला लूंगा। हाँ सुबह आना, आऊंगी वो तो आने ही, वो तो आएगी आएगी सुबह, तो सुबह होना तो मेरे को आने ही आने है। 8 बजे बोला है उन्होंने, आप 8 बजे तो काम करो, चाय पी कर निकलो। तो गाइस अभी मेरे लिए कम से कम 20-25 जोड़े भेजे हैं BMS ने, और बहुत ही कमाल के आर्टिकल है, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो मैं नीचे कॉन्टेक्ट नंबर बायो इंस्टा डाल रहा हूँ, और आपको अगर कपड़े पहनने के शौकीन है तो एक बार BMS के पेज पे जरूर चले जाओ। तो गाइस रात के बज गए हैं 2 और मम्मी पहुंची है हॉस्पिटल। कितनी एक्साइटमेंट है, कुरियर मिलना बहुत ज्यादा है, दिल कर रहा है कि फटाफट गोलू
घंटे हो, 6 घंटे हो, बस सब कुछ इंशाल्लाह फतेह होगी, सब कुछ ठीक होगा। और बोलो ठीक है, क्या बात हुई थी? और क्या ठीक है ना तुम्हें? हाँ तबीयत सही है, आप सही हो? हाँ मैं मेरे को आज एक माँ अपनी बेटी को माँ बनते हुए देखना वाली है। आज हम दो हैं, उसके बाद तीन हो जाएंगे। हाँ सही बात है। तो नींद नहीं आ रही? बोल नहीं, मैं सो गई थी, मेरे को ना वॉशरूम बार बार ना, क्योंकि अभी क्या है लास्ट टाइम चल रहे हैं ना, बाथरूम का प्रेशर बहुत ज्यादा आता है, तो वॉशरूम जा गई थी। चलो कोई बात नहीं। वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगा रहे थे मेरे को, तो मेरा हाथ ऐसे था जैसे खोला ना खून बहने लग गया। वही तो एकदम चिल्लाई ना, मैं सोचा क्या हो गया, खून बह गया था। 2 घंटे सो जा मम्मी, आप आराम कर लो, सुबह मिलते हैं। ठीक है ठीक है जी, मैं गोलू पाल के पास हूँ, तो मम्मी है 1 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है हाँ हाँ, सुबह तो वैसे भी 8 बजे है, आ जाना आराम से। ठीक है कुछ ओढ़ने का लगा? ओढ़ने का नहीं नहीं, यहाँ कोई वो नहीं है। तो मैं पहुँच गया हूँ घर, मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना हो रखा है, मैंने मम्मी को वहीं छोड़ दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी देर माँ बैठे अपना आराम से अकेले बातें कर रहे, औरतों की बातें होती है, उसमें मेरा कोई काम नहीं था। तो मैं अब 2-4 घंटे सो जाता हूँ क्योंकि आज भी मैं सुबह 7 बजे का उठा हुआ हूँ और भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ, और आपको दिख ही रहा है कौन अपना है कौन पराया है, सब कुछ खुद को ही करना पड़ता है। तो अभी मैं पहुँचा हूँ स्टूडियो, स्टूडियो में चेक किया जा रहा है क्या मामला है, क्या ब्लॉग है, ब्लॉग हो गए दोनों? हाँ दोनों ब्लॉग हो गए हैं, चिप का भी हो गया और अभी ये वाला भी दे दो, ये वाला भी कर देते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, नमस्कार बाय बाय, और कंटिन्यू बने रहे, सुबह हम निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए और शायद कल वाले ब्लॉग में आपको बहुत सारी अपडेट खुशखबरियाँ मिलने वाली। मेरे घर मेहमान आ रहे।